सब परफेक्ट है, आपका जो सिस्टम है अंदर के ऑर्गन्स है सब परफेक्ट है। तीन चीजें मैंने बताया हम बाहर से दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ब्रीदिंग, खाना एंड पॉल्यूट कर दिया अंदर के सिस्टम को भी, बाहर भी नहीं अंदर के सिस्टम को भी पॉल्यूट कर दिया। आई एम यूजिंग हार्श वर्ड्स एंड दिस इज ट्रूथ। आप ब्रेन है ना आपका, एक हार्ट और एक आपका ब्रेन, दो पूरी बॉडी से जुड़े हुए हैं, दो इंटेलिजेंस काम कर रहे हैं आपके बॉडी में, तीन गट इंटेलिजेंस भी है, गट फीलिंग भी है आपके अंदर। गट फीलिंग तो हम बिल्कुल दबा देते हैं उसको, ठीक है ना। गट फीलिंग मैंने बताया था क्या होती है, एक अंदर से आवाज आती है कि गलत कर रहे हो, दबा देते हैं, हमारी फीलिंग के अनुसार काम करते हैं, नतीजे क्या होते हैं। हमारा हार्ट है उसको हम पॉल्यूट कर रहे हैं, हमारा ब्रेन है परफेक्ट सिस्टम है, परफेक्ट, जो इनपुट जा रहे हैं ना वो गलत जा रहे हैं, खाने में इनपुट गलत जा रहे हैं, ब्रीदिंग में इनपुट गलत जा रहे हैं, इम्परफेक्ट हम बना रहे हैं हमारे सिस्टम को। एंड किस दौड़ में लगे हुए हैं हम पता नहीं, किस दौड़ में लगे हुए हैं, इतनी प्रीशियस चीजें हमारे पास है उसका हमारे अपने को पता ही नहीं है हमारे पास है, वी डोंट इवन बॉदर। एक सेकंड के लिए हवा रुक जाएगी ना, एक सेकंड के लिए हवा आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। साइंस में हवा कर, देखिए एक इंच जमीन जमीन के लिए हम लड़ते हैं, एक इंच जमीन चाहे साइंस क्रिएट कर पाई, एक इंच का एक टुकड़ा भी, इतनी प्रीशियस चीजें हमको मिली हुई है, हवा पानी पांच तत्व हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हमें फ्री में मिल रहे हैं, पॉल्यूट ही कर पाते हैं थोड़ा उसको, ब्रूथ ऑफ नहीं कर पाते। तो आपका ब्रेन एक्यूरेट है, आपका जो सिस्टम जो बाहर से जा रहा है वो इनएक्यूरेट है, और ब्रेन जो आप बाहर से इनपुट देते हैं ना, आपका हार्ट भी जो आप इनपुट दे रहे हैं उसी के अनुसार काम कर रहा है, आपका इंटरनल सिस्टम भी आप जो बाहर से इनपुट दे रहे हैं उसके अनुसार काम कर रहा है, आपके फेफड़े भी जो आप बाहर से इनपुट दे रहे हैं उसके अनुसार काम कर रहे हैं, आपका जो ब्रेन है वो भी आप बाहर जो सारे सिस्टम आपने इनएक्यूरेट बना दिया, आपने नहीं पूछा भी अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपनी सर्कमस्टेंसेस के बारे में, अपने बारे में, आपने बहुत सारे रूल्स सेल्फ मेड रूल्स बनाए हुए हैं, वो बिलीव है, वैल्यूज क्या है, आप किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपनी लाइफ में, आपके प्रेफरेंस के अनुसार आप काम करेंगे। जो वैल्यूज, यहाँ वैल्यूज का मतलब मैं वो नहीं मान रही जो कि बहुत ही जो है लीजर वैल्यूज, पॉसिबिलिटी मतलब लोअर लिमिट, व्हाट इज योर लोअर लिमिट यू डू नॉट नो, ठीक है ना, वी मिस्टेक पॉसिबिलिटी विद कॉम्पिटेंस, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, हम देखते हैं इसका मतलब ये आई एम इनकॉम्पिटेंट, वी थिंक समथिंग इज नॉट पॉसिबल देयर इज वी डू नॉट नो हाउ टू परफॉर्म इट, सोच मतलब उसकी तरफ जाने की सोचते ही नहीं है, पहले सोचते मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, करना चाहते हैं जो चीज करना चाहते हैं उसके लिए भी ये सोच लेते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, वी ऑल हैव फिजिकल लिमिट्स बट वी डू नॉट नो व्हाट दीज लिमिट्स आर, यू कैन नॉट प्रूव नेगेटिव देयरफॉर यू कैन नॉट प्रूव दैट यू आर इनकैपेबल, निकाल दीजिए अपनी डिक्शनरी से इम्पॉसिबल इनकैपेबल वर्ड्स, ट्राई टू करिए एटलीस्ट एक बार, ठीक है, on the fact that you have not yet achieved it, yet, ठीक है, ability we often put a mental ceiling, mental ceiling, by not believing we cannot do something, we can do something, have a basic belief that you have not reached the limit of what you are capable, आप में कितनी ताकत है कितना वो है वो लिमिट के अभी तो लोअर यहां तक भी नहीं पहुंचे आप, बी श्योर, कीप एन ओपन माइंड, डू नॉट एवर अनाउंस टू अदर्स दैट यू कैन नॉट डू समथिंग, दूसरों के सामने बोलिए मत कि मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर सकता, टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर गोल्स, देयर आर मेनी नंबर्स ऑफ रीजन व्हाई डू यू नॉट गेट देयर, बहुत कुछ करना चाहते हैं आप, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ है नहीं कर पा रहे, क्या कारण है वो अभी कारण आपको मिलेगा, वर्थीनेस, डू यू डिजर्व टू अचीव योर गोल, डिजर्व तो आप करते हैं, सब कुछ जब इस धरती पर सभी एक जैसे हैं तो डिजर्व आप जो भी है जो भी फैसिलिटीज दूसरे
Everyone, everyone can. This is, it is a, only you can answer this question. And will be, does judge your goals are morally or ethically right? It simply gives a process to help you achieve them. And will be बता दी, ये आपका तरीका है, ये goal achieve करने का है, इसमें आप कई जैसे एक terrorist के NLP को use करके अपना goal achieve कर सकता है. Ecology आपको decide करनी, morality आपको decide करनी, ये goal achieve करने का रास्ता बताती है कि आप ecology अपने आप decide कीजिए. Ecology का मतलब कि आपका environment किस तरह बुरी तरह नहीं affect होना चाहिए, आपकी health नहीं affect होनी चाहिए, आपकी surroundings, आपकी family नहीं affect होनी चाहिए आपके goals. ये keep this in mind.